बलिया जिला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। यह जिला आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बलिया शहर में स्थित है। बलिया जिले की सीमाएं कई प्रमुख जिलों से साझा करती हैं। पश्चिम में मऊ व गाजीपुर जिला, उत्तर में देवरिया जिला तथा पूर्व में बिहार राज्य स्थित है। बलिया जिले की पावन भूमि पर कई सारी महान हस्तियों ने जन्म लिया है, जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, चित्तू पांडे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जैसी हस्तियां शामिल हैं। सन 1798 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गाजीपुर जिले को स्थापित किया था, तो बलिया जिले को गाजीपुर जिले की तहसील बनाया था। 1 नवंबर 1879 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने बलिया जिले की स्थापना की थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिया जिले के निवासियों के विद्रोही तेवर के कारण इसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता रहा है। 2981 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बलिया जिले की कुल आबादी सन 2020 के आंकड़ों के अनुसार 37,53,602 है, जिसमें पुरुषों की कुल आबादी 19,38,224 है और महिलाओं की कुल आबादी 18,15,378 है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से जिले में 92.73% हिंदू, 6.61% मुसलमान, 0.73% अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। बलिया जिले में प्रमुख भाषाएं बोली जाने वाली हिंदी व भोजपुरी हैं। जिले की कुल साक्षरता दर 70.94% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 81.49% और महिला साक्षरता दर 61.57% है। दादरी मेला, यह मेला बलिया जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला है, जो अश्विन मास में शहर की पूर्वी सीमा पर गंगा और सरयू नदी के संगम के पास स्थित मैदान में लगता है। बलिया जिले में वर्तमान समय में 6 तहसीलें मौजूद हैं: बलिया, बैरिया, बांसडी, बेलथरा रोड, रसड़ा और सिकंदरपुर हैं। वहीं जिले में 17 ब्लॉक मौजूद हैं। बलिया रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह रेलवे स्टेशन देश के बड़े बड़े शहरों की रेलवे लाइनों से जुड़ा हुआ है। इस स्टेशन का कोड BUI है। स्टेशन पर 5 प्लेटफार्म मौजूद हैं। यहां से हर रोज कम से कम 40 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनके माध्यम से यात्री अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।